हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग फरवरी 2024 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगले फर्दर एग्जाम्स के लिए, नियर बाई एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। इस पूरी वीडियो में 100+ क्वेश्चंस होंगे जो प्रिंटेड होंगे, मतलब पीडीएफ फॉर्म में होंगे। इसके अलावा मैं हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को ऐड करूंगा, वो खुद में एक क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे। तो हम काफ़ी क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स। ये हमारा आरबी का यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो प्लेलिस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक टॉपिक्स भी हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको अवेलेबल हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, हालिया चर्चित रही एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल कैंसर ब्यूरोलेन रिपोर्ट 2022। ग्लोबल कैंसर ब्यूरोलेन रिपोर्ट 2022 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है, क्वेश्चन ये पूछता है WHO। क्वेश्चन पूछेगा WHO क्या है, तो WHO यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत एजेंसी है, विशेष एजेंसी है जो हेल्थ के फील्ड में काम करती है। तो किस फील्ड में काम करती है भैया, हेल्थ के फील्ड में काम करती है। ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, 6 अंग हैं, वो 6 अंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्लियर है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सचिवालय हो गया, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के बाद ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 4 हो गए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और छठा लास्ट है यूनाइटेड नेशन इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 6 ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन्स अलग हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी अलग है। WHO हेल्थ के फील्ड में काम करती है, ऐसे बहुत सारी एजेंसियां हैं यूनाइटेड नेशन की जो अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, जैसे यूनेस्को जो है एजुकेशन साइंटिफिक एंड जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट एजुकेशन एंड कल्चर के फील्ड में काम करती है, IMO और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मौसम विज्ञान के फील्ड में काम करती है, WTO एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो टूरिज्म के फील्ड में काम करता है, UNCTAD यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जो जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के फील्ड में काम करता है। इस तरीके की बहुत सारी संस्थाएं हैं यूनाइटेड नेशन की, स्पेशलाइज एजेंसी हैं यूनाइटेड नेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो फूड और एग्रीकल्चर में के फील्ड में काम करता है, तमाम तरह की ये संस्थाएं हैं, ये इसके ऑर्गन्स हैं। अगला, रिसेंटली लॉन्च हुई CM बायोश्री योजना, इस स्कीम का नाम देखिए 2024 किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से संबंधित है CM बायोश्री योजना, मोदी जी की सरकार के द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय बायोश्री योजना, उसी की तर्ज पर CM बायोश्री योजना। इस राष्ट्रीय बायोश्री योजना में जो वृद्धजन हैं, जो ओल्ड एज सिटीजन्स हैं, उनको निःशुल्क जो लाइफ असिस्टेंस डिवाइसेज होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है, और ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की योजना है CM बायोश्री योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था, तो क्वेश्चन पूछेगा 7वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई, और ये किसके द्वारा, ये इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित की जाती है, ध्यान रखना किसके द्वारा, एक NGO है इंडिया फाउंडेशन इसके लिए काम करता है, इसके द्वारा आयोजित की जाती है, हर साल आयोजित किया जाता है। इंडियन ओशियन के मामले में इस पे सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं इंडियन ओशियन के और इस पे चर्चा करते हैं, तो उसकी थीम थी टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। हाल ही में चर्चित CAR कार टी सेल थेरेपी बहुत चर्चा में रही, किस रोग से इलाज से संबंधित है, तो ये कैंसर के इलाज से संबंधित थेरेपी है,
जो आजकल रिसर्च इस पे चल रही है, और ये डेवलप हो जाएगी तो कैंसर का इलाज आसान हो जाएगा, CAR-T सेल थेरेपी। हाल ही में लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हाल ही में बहुत चर्चा में रही एक स्कीम है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसका पर्पज है हर परिवार को 300 यूनिट तक की फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, ये इसका पर्पज है। सरकार ने अभी लॉन्च की है फरवरी मंथ में। अच्छा, एक चीज और है आप ध्यान रखना, एक स्कीम सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इससे जुड़ी हुई है। जो प्रधानमंत्री सूर्योदय स्कीम है जिसका पर्पज है हर घर में सोलर रूफ टॉप लगाना, इसी से ये सोलर रूफ टॉप पैनल्स को एस्टेब्लिश किया जाए, छतों के ऊपर पैनल्स लगा के प्रोडक्शन किया जाएगा। तो सरकार जो लोग सोलर रूफ टॉप पैनल्स को अडॉप्ट करेंगे, लगाएंगे, उनसे क्या करेगी, उन्हें 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देगी सरकार। सब्सिडाइज जो है ये प्लांट्स, सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगाएगी लोगों के छतों पर। अगला क्वेश्चन है, पहला स्टेट भारत का कौन सा बन गया है जिसने इमरजेंसी हेलीकॉप्टर हेल्थ सर्विसेज शुरू की हैं, हेलीकॉप्टर से स्वास्थ्य सेवाएं इमरजेंसी में। तो आपको पता होगा नॉर्मली ये काम हिली एरियाज में ही होता है, और हिली स्टेट में इंपॉर्टेंट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है, ये भी ध्यान रखना, जो स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है वो भी उत्तराखंड है। स्वतंत्रता से पहले से लागू था वो एकमात्र राज्य इस समय गोवा था जिसमें पहले से ही चला रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी लागू कर दिया है किसने, उत्तराखंड। IIT कानपुर के द्वारा देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंडेबल टनल डेवलप की गई है, उस टनल का नाम क्या है, नाम है जिगर थंडा, नाम क्या है, जिगर थंडा, ये नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ने वाला डायनासोर जिसका नाम है सियोट तेरा इवांसे, उड़ने वाला फ्लाइंग डायनासोर के जीवाश्म किस देश में पाए गए हैं, तो यूरोपियन यूनियन का, यूरोप का एक देश है स्कॉटलैंड, वहां पे पाए गए हैं। क्लियर है, स्कॉटलैंड आपको पता होगा, स्कॉटलैंड एंड वेल्स आपने सुना होगा, ये किसका पार्ट है, ये ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन। आपको पता होगा ग्रेट ब्रिटेन को तीन नाम से जाना जाता है, एक इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड के बाद दूसरा ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो इंग्लैंड में जब ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन इसके बाद तीसरा होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, तीसरा क्या है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये तीन नाम है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। ये तीन नाम क्या है, इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड मेनलैंड इंग्लैंड है, अगर उसमें स्कॉटलैंड एंड वेल्स शामिल हो जाता है तो ब्रिटेन आता है, और उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल हो जाता है तो उसमें उसको कह देते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। अंटार्कटिका में चीन के द्वारा भेजा गया हाल ही मिशन का नाम क्या है, उसके मिशन का नाम है क्वेनलिंग स्टेशन। अंटार्कटिका में साउदर्न ओशियन के पार, जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर चाइना ने जो मिशन भेजा है रिसर्च के लिए जाते हैं वो मिशन। भारत के आपने सुना होगा भारती है, मैत्री है, दक्षिणी गंगोत्री है, ये तीन मिशन भारत अब तक भेज चुका है, भारती, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, अंटार्कटिका के लिए। हालिया केरल सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है, KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024, वो इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी को दिया गया, स्पेस साइंटिस्ट भारत के। हालिया चर्चा में रहा एहलान मोदी कार्यक्रम, मोदी जी अभी दुबई में गए थे, UAE में गए थे, UAE की यात्रा पे गए थे, तो ये कार्यक्रम अनाउंस किया गया हुआ था जिसमें UAE में रहने वाले, UAE दुबई गए थे तो वहां अबूधाबी में भी गए थे, अबूधाबी में मंदिर का इनॉग्रेशन किया था आपको पता है, और एहलान मोदी कार्यक्रम UAE में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा, तो इंडियन डायस्पोरा को क्या किया था, मोदी जी ने संबोधित किया था, एड्रेस किया था, इस प्रोग्राम का नाम दिया गया था एहलान मोदी कार्यक्रम। अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है इंटुएटिव द्वारा, इंटुएटिव कंपनी का नाम है, चंद्रमा पर भेजे गए दुनिया के पहले निजी लैंडर मिशन,
चंद्रमा पे पहला निजी मिशन नहीं है, निजी लैंडर मिशन। तो मैंने बताया था स्पेस टेक्नोलॉजी के टॉपिक में जीएस शॉर्ट वीडियोस में, ये पहला मिशन होता है केवल ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर के बाद जाता है लैंडर और रोवर मिशन। तो इंडिया ने, भारत ने, इसरो ने अपना पहला ऑर्बिटर मिशन चंद्रमा पे 2008 में भेजा था, चंद्रयान 1। उसके बाद चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो अब तक गए हैं वो लैंडर और रोवर मिशन हैं, जिसमें लैंडर जाता है, उससे वो लैंड करता है, उसके बाद रोवर निकलता है, उसकी सरफेस पे घूम के वहां से डेटा कलेक्ट करता है। तो पहला प्राइवेट लैंडर मिशन है जो, कौन सा है? ओडिसिस है। किस देश ने भेजा है? अमेरिका ने। कंपनी का नाम है इंटुएटिव। हाल ही में झारखंड के पूर्व सीएम जो अरेस्ट हुए थे, ईडी ने अरेस्ट किया, उनके बाद नए सीएम कौन बने हैं? उन्हीं की पार्टी के चंपई सोरेन। पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। हालिया आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर कौन से बैंक पे कार्रवाई की? आपको पता है, पेटीएम के पेमेंट बैंक पे कार्रवाई की है। पेमेंट बैंक का बेसिकली पर्पज है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, गांव गांव तक, हर व्यक्ति तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना, बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना। इंडिया का पहला पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक, ये कॉन्सेप्ट मैंने पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब ऑफिसर्स बैच में मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है आपको। भारत का पहला पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, और भारत का सबसे बड़ा या पहला सरकारी पेमेंट बैंक, इसके बाद दूसरा बैंक जो बना उसका नाम था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये पहला सरकारी पेमेंट बैंक था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में और 2020 में कहां का ओलंपिक कहां हुआ था? टोक्यो में हुआ था, जापान। तो पेरिस ओलंपिक 2020 में, सॉरी 2024 में, भारतीय मशाल का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? कौन मशाल लेके आगे भारतीय नेतृत्व सौंपे जो दौड़ेगा? नाम है अभिनव बिंद्रा, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने तीरंदाजी में क्या किया है, और सॉरी तीरंदाजी कह रहा हूँ, शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, आपको याद होगा 2008 के ओलंपिक में। क्लियर है? हालिया चर्चित नीतीश, नीतीश वर्ड का नाम है, नीतीश जो वर्ड है ये क्या है, चर्चा में रहा क्या है? तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, और नीतीश नाम से उन्होंने लॉन्च किया है अर्ली वार्निंग डिजास्टर सिस्टम बाय बिहार गवर्नमेंट। बिहार गवर्नमेंट का आपदा चेतावनी प्रणाली है ये, जो आपदा से पहले ही क्या दे देती है, चेतावनी देने का काम करती है। हालिया किस राज्य ने काजी नेमू को अपना स्टेट फ्रूट घोषित कर दिया है? असम ने काजी नेमू को। हालिया किस देश ने हजारों वर्ष पुराने सोमिनसाई फेस्टिवल, फेस्टिवल का नाम है सोमिनसाई फेस्टिवल, की परंपरा समाप्त कर दी है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा था? किस देश ने नहीं, किस स्टेट ने, है ना, सोमिनसाई, ये हजारों वर्ष पुराने सोमिनसाई फेस्टिवल, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये किस देश ने ही है, स्टेट नहीं है, और ये अरुणाचल प्रदेश की जगह, इसका आंसर जहां तक जापान है, थोड़ा सा यहां पे टीम से मिसप्रिंट हुआ है, मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, मुझे जहाँ तक याद है ये जापान है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं, तो मुझे ये याद है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, जापान है, सोमिन साई फेस्टिवल, हाँ ठीक है जापान। तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश ना होके क्या है, जापान है। हाल ही में चर्चा में रहा सरबत क्या है? सरबत है मोबाइल ब्रिज सिस्टम, है इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। मोबाइल ब्रिज का मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो DRDO आता है, मोबाइल ब्रिज का मतलब है ऐसा ब्रिज जहां सेना उसे कहीं भी ले जाके साथ में ले जा सकती है। ये देखिए आपको ब्रिज दिख रहा होगा, अगर कहीं पे नदी पड़ती है, पानी पड़ता है, तो मोबाइल ब्रिज है, वहां ले जाओ इसको, और ब्रिज की तरह ये ओपन हो जाता है और आसानी से सेना का मूवमेंट हो सकता है। अंतरिम बजट 2024-25 में सरकार ने फिजिकल डेफिसिट, अपना राजकोषीय घाटा का टारगेट हर साल रखती है, और मैंने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया आपको, बजट में इसके लिए कानून आया था कि हर साल सरकार को बताना पड़ेगा कि अपना फिजिकल डेफिसिट कितना कम करेगी सरकार, घाटा कितना कम करेगी। FRBM एक्ट 2003, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, कितना रखा है GDP का, ये F हटा देना, 5.1% ऑफ GDP।
लास्ट ईयर कितना था? 5.9% ऑफ जीडीपी था लास्ट ईयर के बजट में टारगेट, और इस साल के बजट में टारगेट 5.1%। हालिया प्रधानमंत्री जी ने तालावीरा तापीय विद्युत परियोजना, तालावीरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्रोजेक्ट है। थर्मल का मतलब होता है जहाँ बिजली किससे, कोयले से बिजली बनाई जाती है, या कोयले को जला के स्टीम जनरेट की जाती है, कोयले की हीट से पानी को गर्म करके बॉयलर्स में स्टीम जनरेट की जाती है और उस स्टीम से, भाप से, उस स्टीम को, वेपर को हाई प्रेशर पर चैनल्स में फ्लो करा दिया जाता है जिसमें टर्बाइंस लगी होती हैं, रोटेट करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और वो है द स्टेट कौन सा, उड़ीसा। हालिया 9वें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, हर साल वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होती है, 2024 में कहाँ हुई है, ये दुबई में ही होती है, ध्यान रखना, यूएई में। और इसमें किस सरकार को गवर्नमेंट टेक अवार्ड दिया गया, टेक्नोलॉजी के फील्ड में गवर्नमेंट टेक अवार्ड दिया गया, भारत को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट। बाफ्टा एक ये मीडिया और फिल्म के फील्ड में दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, ओपनहाइमर को मिला है। ओपनहाइमर को बाफ्टा अवार्ड 2024 में जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव, एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल जो तेलंगाना वाले स्टेट में मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, समक्का तरलमक्का जटारा फेस्टिवल। हर साल ये फेस्टिवल चर्चा में आते हैं, ध्यान रखना है इनको। हालिया जारी किया गया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति ज्यादा है और उस देश के लोगों का परसेप्शन क्या है करप्शन को लेके, कि करप्शन कितना है उस देश में या नहीं है, इसको लेके परसेप्शन लोगों में क्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको निकाला जाता है, और इस साल भारत की रैंक कितनी आई है इसमें, 93 आई है। यूरोप का पहला देश जहां भारतीय यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सुना होगा आपने, यूपीआई के माध्यम से भुगतान को मंजूरी दी गई है, फ्रांस। क्योंकि अभी आपने देखा होगा 26 जनवरी 2024 को भारत का जो 75वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया, उस 26 जनवरी 2024 को चीफ गेस्ट कौन आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब आए थे, जिनको 26 जनवरी से पहले प्रधानमंत्री जी उन्हें कहाँ ले गए थे, जयपुर लेके गए थे, वहां पे उन्होंने यूपीआई से पेमेंट भी किया था मोदी जी ने। तो यूपीआई से माध्यम से पेमेंट को मंजूरी दी है किस देश ने, फ्रांस ने, पहला देश बन गया यूरोप का। भारत की पहली कंपनी जिसने 30 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप प्राप्त किया है, मार्केट कैप का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की वैल्यू और एक शेयर की वैल्यू और इनटू मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो उस कंपनी का मार्केट कैप पता चल जाता है, उस कंपनी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू पता चल जाती है। तो पूरा ग्रुप है टाटा ग्रुप, उसने 30 लाख करोड़, पहली कंपनी बन गई जो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप है जिसका भारत में। हाल ही में चर्चित था स्वाति क्या है, स्वाति पोर्टल महिलाओं में प्रमोट करने के लिए क्या, स्टेम आपने केवल STEM सुना होगा, ये एक और एम लिखा है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मेडिसिन, मेडिकल फील्ड, इसको महिलाओं में इन फील्डों के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए इन फील्ड्स में जाएं, रिसर्च करें, बढ़ावा दें इन फील्ड्स में रिसर्च को, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है स्वाति पोर्टल। हाल ही में चर्चा में रहा, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहां आयोजित किया गया, कोलकाता में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल है, इंटरनेट नहीं है, यह ना, इंटरनेशनल सेंटर कहां खोला गया, संबलपुर उड़ीसा में खोला गया। आपको पता होगा भारत में इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स खोले जाने कितने, 30। इस साल लास्ट ईयर के बजट में 2023-24 के बजट में भारत सरकार ने भारत में इंटरनेशनल इंडस्ट्री की डिमांड, विदेशी इंडस्ट्रीज की डिमांड, विदेशी कंपनियों, मान लो जापान में, जापान बेस्ड कंपनी, जापान में जो कंपनियां काम कर रही हैं, जर्मनी में जो काम कर रही हैं, वो किस तरीके की स्किल की डिमांड करती हैं, ऐसी स्किल के प्रमोट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिससे भारत के इंजीनियर्स, भारत के स्किल
जो है स्किल्ड वर्कर्स को हम क्या कर सकें, इम्पोर्ट कर सकें दूसरे देशों में, सॉरी एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे देशों में, निर्यात कर सकें, वहां भेज सकें अपनी लेबर को, स्किल्ड लेबर को। उसके लिए 30 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाने थे, जिसका पहला सेंटर खुल गया। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के अंतर्गत काम करती है, जो भारत की टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है, ये एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये सब। और इसके नए चेयरमैन सर चेयरपर्सन अनिल लाहौटी जी बनाए गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन नेवल शिप या इंडियन नेवल सबमरीन, दो होती है INS का मतलब, संशोधक क्या है, इंडिया का पहला सर्वे वेजल है, भारत का पहला सर्वे वेजल है। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास क्या है, अभ्यास क्या है, हीट डिवाइस डेवलप्ड बाई DRDO, हीट डिवाइस है, हीट डिवाइस का मतलब होता है ऐसे डिवाइस जो टारगेट होते हैं, जैसे मिसाइल है, अब मिसाइल को छोड़ के टारगेट को हिट करना है, तो मिसाइल को टेस्ट करने के लिए एक टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट जो होते हैं उनको कहते हैं क्या, हीट डिवाइस कहते हैं। तो अभ्यास नाम का एक हीट डिवाइस डेवलप किया DRDO, जो मिसाइल को टेस्ट करने में काम आएगा। हाल ही में नैनोटेक के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी ने MIT लिखा हुआ है ना, ये माइटी है ना, तो माइटी लिख दो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी कहते हैं शॉर्ट में। उनके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, नाम है प्रोजेक्ट स्वस्थ। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना, कौन सी योजना है, स्वयं किससे संबंधित है, युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमिता को बढ़ावा देना है, नाम ही है स्वयं का मतलब है स्वतंत्र युवा उद्यमी। स्वयं का मतलब क्या है, स्वतंत्र युवा उद्यमी। फोटो लगा हुआ है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का, इनकी पार्टी का नाम है BJD, बीजू जनता दल। हाल ही में चर्चित आशा किरण योजना किस सरकार की योजना है, कर्नाटक गवर्नमेंट की योजना है, जहां BJP की सरकार है। किसानों के मसीहा, आपको पता है चौधरी चरण सिंह जी को इस बार भारत रत्न दिया गया है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनके ग्रैंडसन है जैन चौधरी, और इनकी पार्टी का नाम है RLD, राष्ट्रीय लोकदल। हाल ही में दुनिया की पहली कंपनी जिसने पहली बार मनुष्य के दिमाग में चिप लगा दी गई, जो ह्यूमन, ऐसे लोग जो ह्यूमन न्यूरोलॉजिकल डिसीज से पीड़ित हैं, जो ब्रेन डिसीज से पीड़ित है, मस्तिष्क का विकार है जिनके अंदर, उनमें चिप लगा के उनके विकार को सही करने का काम एक कंपनी कर रही है, जिसका नाम है न्यूरालिंक। पहली बार मनुष्य के उसमें चिप लगाएगी। बापू टावर मतलब महात्मा गांधी जी के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बापू टावर स्थापित किया गया, पटना बिहार में किया गया। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार, आपको पता है नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आपने, WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, निमहंस को दिया गया है ये WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए चंदा प्राप्त करने के लिए किस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया, बहुत चर्चा में रही इलेक्टोरल बॉन्ड योजना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह योजना कब शुरू की गई, 2017 में आई थी, 18 में लागू हो गई, तो 2018 में अनाउंस हुई ये योजना है, 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी और ये स्कीम असंवैधानिक घोषित कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत चर्चा में। क्वाड बिल, क्वाड आपको पता है 2017 में बना एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें चार देश आते हैं, अमेरिका, जापान के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं इसे। ये क्वाड बिल क्वाड देशों में से किसने पारित किया है, अमेरिका ने पारित किया है क्या क्वाड बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित मगदी केरे रिजर्व, मगदी केरे रिजर्व
किस राज्य में है जो चर्चा में है? कर्नाटका में है। आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ये चर्चा में क्यों? क्योंकि मगदी केरे रिजर्व को रामसर साइट घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है। आपका ये असाइनमेंट है कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, पहला। दूसरा, रिसेंटली तमिलनाडु की 2 और कर्नाटक की 3 साइट्स को रामसर साइट्स घोषित किया गया है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से संबंधित है, 1971 में इस कन्वेंशन को साइन किया गया, रामसर शहर ईरान में है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी मैंने। कन्वेंशन का मतलब होता है इंटरनेशनल लॉ, और जो वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में शामिल हो जाती है उसको कहते हैं वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। 37वां सूरज कुंड मेला, तो ये 5 देख लेना, नंबर ऑफ टोटल रामसर साइट्स कितनी है, और तमिलनाडु की 2 और कर्नाटक की 3 को रिसेंटली शामिल किया गया है। 27वां सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद में हर साल हरियाणा में सूरज कुंड मेला आयोजित किया जाता है, जिसका पर्पज होता है जो हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है, लोकल क्राफ्ट है, लोकल आर्ट है, इसको बढ़ावा देना, प्रमोट करना। हाल ही में चर्चित कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट, आपको पता है कामाख्या देवी का मंदिर बहुत फेमस है, कहाँ पर? आसाम में। तो कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट चल रहा है, कामाख्या देवी मंदिर के आसपास जो काम चल रहा है उसी को कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आसाम में। हाल ही में नासा द्वारा महासागरों और वायुमंडल के स्टडी के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, तो मिशन पेस मिशन किसने लॉन्च किया गया है? पेस मिशन नासा ने लॉन्च किया है, और करेगा क्या? महासागरों और वायुमंडल की स्टडी करेगा। नाम फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन, जो ओशियंस में पाए जाते हैं, एरोसॉल एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, क्लाउड एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और ओशियन इकोसिस्टम, इनकी स्टडी करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस देश में UPI रुपए कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी प्रधानमंत्री जी कहां गए थे? UAE गए थे, UAE में उन्होंने UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रुपए कार्ड लॉन्च किया है वहां। नासा और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा USA की है, जापान की, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा। किस नाम से विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्नोसेट प्रोब नाम है, लकड़ी का उपग्रह सैटेलाइट बनाया है नासा ने और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने। हाल ही में चर्चित रहा T50 क्या है, T50 क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, रेल टनल है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कहते हैं इसे, इंडिया लॉन्गेस्ट रेल टनल बनाई गई है, भारत की सबसे लंबी रेल टनल है। हाल ही में चर्चा में रहा कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का पहला मानव DNA बैंक, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला ITBHU बनारस में, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में लगाया गया है ये ITBHU। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, जिन्होंने LPG रिफॉर्म्स लेके आए 1991, आर्थिक सुधार, LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति 1991 भी कहते हैं। कौन प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया गया इस साल, टोटल 5 लोगों को दिया गया। कौन? MS स्वामीनाथन जी, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के जनक, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, चौधरी चरण सिंह जी, PB नरसिम्हा राव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, और ये बिहार के CM रहे, इनको मसीहा ऑफ सोशल जस्टिस कहते हैं, सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हैं, और BJP के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन 5 लोगों को इस बार क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। इस LPG रिफॉर्म्स को राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी इस समय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। हाल अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनाई गई है? जस्टिस ऋतु बहरी इनका नाम है। ONDC वन नेशन डिजिटल ओपन
नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स, ऑनलाइन कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, जहां पर सारे डिजिटल कॉमर्स के जो प्लेयर्स हैं, बायर्स एंड सेलर्स एक जगह आ सकते हैं, ONDC उसको कहते हैं, वहां पे एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। पहली भारत की मेट्रो जो यहां पे लिस्टेड हो गई, चेन्नई मेट्रो, मतलब यहां पे जाके ONDC पे जाके आप चेन्नई मेट्रो में टिकट बुक कर सकते हैं, तो बायर्स और सेलर्स दोनों मिलेंगे। रिसेंटली चर्चा में रही विद्यांजलि कार्यक्रम क्या है, शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का प्रोग्राम है विद्यांजलि। IMF के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जर्मनी बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी GDP इकोनॉमी अमेरिका की है, दूसरी चाइना की है, तीसरी जर्मनी की है, चौथी जापान की है और पांचवी इंडिया की है। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी आपने लेटेस्ट क्वार्टर का, लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो तिमाही है, तीसरी तिमाही का डेटा आया है, हमारी ग्रोथ रेट 8.4% है। इससे पहले क्वार्टर में लगातार 7.5 से ऊपर दोनों क्वार्टर में ग्रोथ रही है और यही ग्रोथ से हम आगे बढ़ते रहे तो अगले 2 साल में हम इन दोनों को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अगला, वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को, जिस दिन ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन साइट्स को प्रोटेक्शन को बढ़ावा देता है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देता है। 1971 में इसी दिन साइन हुआ था, इसीलिए इस दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन अमित शाह जी के बेटे हैं, जय शाह जी, उनको बनाया गया है। ये सेक्रेटरी भी हैं BCCI के, आपको पता होगा। हाल ही में प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड किसके फील्ड में दिए जाते हैं? म्यूजिक के फील्ड में दिए जाते हैं, याद रखना, संगीत के फील्ड में। और ये AR रहमान साहब को मिल चुका है हमारे यहाँ, और भी बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। AR रहमान एग्जाम्पल बता रहा हूँ। भारत का पहला डिजिटल नेशनल डिजिटल म्यूजियम म्यूजियम कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में बनाया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध डोसमोचे फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का है। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष कौन बना है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन जिसमें 15 जज होते हैं टोटल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कह सकते हैं आप, इंटरनेशनल कोर्ट कह सकते हैं, जहां देश आपस में अपने डिस्प्यूट्स को वहां ले जाते हैं। 15 जज हैं इसमें, 9 साल का टर्म होता है। भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को जस्टिस दलवीर भंडारी जी, और नवफ सलाम करके हैं ICJ में, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है रिसेंटली? तो 2 लोगों को दिया गया है, गुलजार साहब को और दूसरा जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। इनका फोटो आपने देखा होगा, बहुत फेमस है ये संस्कृत जो भाषा है उसके स्कॉलर हैं ये, बहुत बड़े विद्वान हैं, गुरु हैं राम भद्राचार्य जी, अक्सर आपने देखा होगा इनको TV पे आते हुए। भारत और फ्रांस के संयुक्त नेतृत्व में ज्वाइंट कोलैबोरेशन में एक ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और कहां पर? जहां पर पेरिस क्लाइमेट डील हो रही थी, पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में हो रही थी, इसमें अनाउंस किया गया था 2015 में COP हो रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 किसकी? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, कहां पर? पेरिस में, वहीं पे अडॉप्ट किया गया था कि भैया इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, जिसका पर्पस था दुनिया के उन देशों का एक संगठन बनाना जहां पर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो एक देश है माल्टा, इसके 119वां मेंबर है ये माल्टा। इस बार 26 जनवरी की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ, झांसी नहीं, झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है?
उड़ीसा स्टेट की झांकी को मिला है। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस बता चुका हूँ कौन थे, चीफ जस्टिस चीफ गेस्ट इमैनुअल मैक्रोन थे, हरित क्रांति के जनक जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन दी, और दुनिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड नॉर्मन वॉरलॉग का ये नाम है इनका। अगला, हालिया अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय, सबसे ज्यादा अंतरिक्ष का मतलब कहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले 878 दिन और 12 घंटे, नाम है ओलेग कोनो, एस्ट्रोनॉट का नाम है ओलेग कोनो, कहाँ के हैं, रसिया के। हालिया चर्चित बाउंस ऑफ द जॉय प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम है बाउंस ऑफ द जॉय प्रोग्राम, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, राजस्थान राज्य सरकार ने। हाल ही में फिजी के इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, आर्थिक मंत्री हैं, ये पहले विदेशी नेता हैं जो राम मंदिर, भगवान श्री राम जी का जो राम मंदिर अयोध्या में बना है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है प्रधानमंत्री जी ने की है लास्ट जनवरी के महीने में, तो विजिट करने आए पहले विदेशी नेता, उनका नाम है बायमन या बिमान प्रसाद, जो फिजी के आर्थिक मंत्री हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के मंत्रालय संभालते हैं, इंडियन ओरिजिन है। हाल ही में चर्चित रही वन मित्र योजना किससे संबंधित है, हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित है, जिसका पर्पज है वन मित्र अपॉइंट किए जाएंगे जो फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देंगे, वनीकरण को प्लांट्स लगाए जाएंगे, साथ ही साथ वृक्षों के कटाव को रोकेंगे, वनों के मित्र हो गए ये लोग। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहां पे आयोजित किया गया, तमिलनाडु, इसमें पहले नंबर पे सबसे ज्यादा किसने पदक जीते हैं, महाराष्ट्र ने जीते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है सेम जो क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दे दिया। सामाजिक न्याय के मसीहा, जो है मसीहा ऑफ सोशल जस्टिस, मैं पहले ही बता चुका कौन, कर्पूरी ठाकुर जी, एक्स CM ऑफ बिहार, इनको भारत रत्न दिया गया है इसलिए चर्चा में है। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है, राधा रतूरी, और उत्तराखंड हाईकोर्ट की महिला चीफ जस्टिस भी पहली बनी है। भारत का पहला राज्य जिसने UCC बता ही चुका उत्तराखंड, वर्तमान में किसमें लागू था, गोवा, स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य जिसने लागू किया है उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिटी में जाओ तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 44 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहता है कि राज्य सरकार, राज्य मतलब सरकार, जब उसे उचित लगे तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, कौन सा कानून, यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक समान, सिविल मतलब पर्सनल लॉ, सिविल लॉ, इसमें तीन प्रकार के कानून आते हैं अगर पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे। पहला कानून कौन सा आता है, शादी और विवाह का, शादी और तलाक का कानून, मैरिज और डाइवोर्स का कानून, दूसरा प्रॉपर्टी के सक्सेशन का कानून, और तीसरा बच्चा गोद लेने का कानून, ये तीन कानून आते हैं UCC में। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो या टेस्ट हो, पहली रैंक किस बॉलर ने, आज तक दुनिया का पहला बॉलर बन गया है, भारत के ही बॉलर हैं जिन्होंने पहली रैंक तीनों में प्राप्त की है, जसप्रीत बुमराह आपको पता है फास्ट बॉलर है इंडिया के। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में मेयर का चुनाव था और वहां पर जो इलेक्शन ऑफिसर था, निर्वाचन अधिकारी था, उस निर्वाचन अधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उस पर धांधली करने का आरोप लगा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को द्वारा चंडीगढ़ के मेयर बनाए हैं कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी, और ये वाले कुलदीप कुमार, ये फोटो नहीं है, ध्यान रखना है ये फोटो, ये तो कुलदीप कुमार MLA हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली से, वो कुलदीप कुमार दूसरे हैं, वो चंडीगढ़ के पार्षद हैं जो अब मेयर बन गए, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है पॉलिटी में कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश किस आर्टिकल के अंतर्गत सुनाया, तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है किसकी, कंप्लीट जस्टिस देने की, पूर्ण न्याय देने की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके, मतलब क्षेत्राधिकार के बाहर जाके किसी पॉलिसी को बनाने का आदेश दे सकता है, किसी अपने आदेश को कानून के रूप में लागू कर सकता है, जबकि वो पॉलिसी या कानून बनाने का काम सरकार और पार्लियामेंट का होता है, इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक सक्रियता या अति सक्रियता।
अगला क्वेश्चन है, हालिया चर्चा में लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, इसको इनॉग्रेट किया है, ये किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। अगला, हाल ही में प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर, आपने सुना होगा बादामी के चालुक्य, चेर चोल पांडे चालुक्य ये सब सुने होंगे ना एंशियंट में, संगम पीरियड में आप सुनते हो, एंशियंट इंडिया पढ़ते हो, तो कहाँ खोजे गए हैं, एक गांव का नाम है मुदी मनिक्यम विलेज तेलंगाना में कृष्णा रिवर के किनारे। 69वां फिल्म पेयर पुरस्कार 2024 जिसमें सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को, आपने बहुत देखी होगी, बहुत फेमस है, आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी है ये फेमस फिल्म, और इसके डायरेक्टर जो है विधु विनोद चोपड़ा हैं, और इन विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को एनिमल के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उनकी वाइफ आलिया भट्ट को, उनकी मूवी आई थी, मूवी का नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत लंबा नाम था, कई वर्ड्स का नाम था, 5-6 वर्ड्स का, देख लेना एक बार, आलिया भट्ट की मूवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चित लोकतंत्र डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 कौन निकालता है, कौन निकालता है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, पूरा नाम लिख लेना, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, एक यूरोप की संस्था, ब्रिटेन की संस्था ये निकालती है, और इसमें आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि इंडिया की रैंक क्या है और पहले नंबर पे कौन है ये आपको पता करना है, फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है ये आपको पता करना है और कमेंट करना है। दादा साहब फाल्के इंटरनेट नहीं इंटरनेशनल, ये इंटरनेट नहीं, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, सालार को मिला है, मूवी आपने देखी होगी सालार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना, सुना होगा आपने, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, हेल्थ इंश्योरेंस की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई 2018 में, जिसका पहले नाम था आयुष्मान भारत योजना, इसको उत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य जिसने लागू किया उसका नाम है त्रिपुरा। क्लियर। अगला, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, तो ये देश है UAE, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर, इन देशों को हटा दिया। FATF कब बनी, 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा बनाई गई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम होता है दुनिया से मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करने की जो प्रक्रिया है उसको रोकना है, ये एक इलीगल प्रोसेस है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, काले धन को सफेद बनाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है, उसको रोकना है, और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग होती है टेरर फंडिंग आतंकी फंडिंग है इसको रोकना है, ये दो काम है इसके FATF के, और ये दो लिस्ट निकालती है, ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट वार्निंग लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट मतलब प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं उस देश पर। महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण किसको दिया गया, अशोक सर्राफ को दिया गया। अगला, ये एक्टर है अशोक सर्राफ, आप देख रहे होंगे ना, हाल ही में लोकप्रिय अट्टुकल पोंगाला त्यौहार है, फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहां पर, केरला का त्यौहार है, उत्तर पूर्व भारत का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला नेचुरोपैथी हेल्थ हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा में हॉस्पिटल कहां खोला गया है, आसाम में खोला गया है। हाल ही में चर्चित रहा जनजातीय हिजला मेला महोत्सव, ट्राइबल हिजला मेला महोत्सव कहां का है, झारखंड का है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बरसिंगसर सोलर पावर प्लांट लगा की आधारशिला फाउंडेशन स्टोन रखा है, राजस्थान में रखा है, क्योंकि सोलर एनर्जी का पोटेंशियल राजस्थान में बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, सबसे बड़ा एरिया वाला स्टेट है भारत का,
और दूसरा ये है कि वहाँ पर इतना बड़ा थार डेजर्ट है, बरसात भी कम होती है, तो बायोडाइवर्सिटी भी राजस्थान में कम है, पेड़ पौधे कम है, तो पूरा एरिया एकदम खुला एरिया है जहाँ पे सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है राजस्थान में। हु हैज बिकम अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ IRCTC? IRCTC सुना होगा, रेलवे के साथ काम करने वाली जो कंपनी है, इसका नया CMD, CMD का मतलब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, किसे बनाया गया? संजय कुमार जैन को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित धर्म गार्जियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच? इंडिया और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के दूसरे लोकपाल, लोकपाल कौन सी संस्था है? लोकपाल संस्था है भारत में करप्शन को, एंटी करप्शन बॉडी है ये, एंटी करप्शन यूनिट है ये, जो लोकपाल एक्ट 2013 से बनी। सुना होगा आपने अन्ना हजारे का आंदोलन इसी के लिए तो था, लोकपाल के लिए, तो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, लोकपाल एक बॉडी बनाई गई, और ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर को बनाया गया है। और इससे पहले पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष करके, जो जस्टिस PC घोष थे वो पहले थे और दूसरे ये बने। और ये 9 मेंबर्स की संस्था है, एक लोकपाल होता है इसमें, एक लोकपाल होता है और 8 मेंबर्स होते हैं इस पूरे लोकपाल संस्था में। संस्था का नाम भी लोकपाल है, पद का नाम भी लोकपाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में आया शाहपुर कंडी डैम रावी रिवर पर है, कहां पर है? रावी। हालिया चर्चा में अमृत भारत स्टेशन योजना, आपको पता होगी लास्ट ईयर 2023 में भारत सरकार ने अनाउंस की थी मोदी जी ने, जिसका पर्पज है भारत में 1200 से ज्यादा, जहां तक एग्जैक्ट डेटा आप देख लेना, 1235 या 1265 पहले फेज में है, रेलवे स्टेशन को रिजुवनेट करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, आधुनिक बनाना है, उन्हें एयरपोर्ट जैसा बनाना है, पहले फेज में इतने। बाकी पर्पज यही है इस स्टेशन के, इस योजना का, कि पूरे देश के रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन करना, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज को वहां पे डेवलप करना इस स्कीम का पर्पज है। भारत सरकार द्वारा जारी की गई पहली रिपोर्ट, भारत में पहली बार स्नो लियोपॉड बर्फीला तेंदुआ, जो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, स्पेशली सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में, और यह शर्मीला होता है, इंसान को देखते ही छिप जाता है, इसकी काउंट किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा कहां पे पाए गए हैं? ये लद्दाख में पाए गए हैं सबसे ज्यादा, तो हिमाचल में, लद्दाख में। और नेशनल पार्क पूछे कहां दिखाई देगा, तो आंसर क्या देना है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में दिखाई देगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू कर दी है? पंजाब सरकार ने, मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है भगवंत मान जी, और दिल्ली के CM तो भगवंत मान जी के साथ हमेशा वहीं दिखी जाएंगे, केजरीवाल साहब जी वहां पे देखो। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री जी ने। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न, मैं पहले ही बता दिया कितने, 5 लोगों को, पशुओं के लिए देश का बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत रत्न कब से शुरू हुआ? 1954 से, दोनों तरीके से दिया जाता है, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दोनों तरीके से दिया जाता है, मतलब लिविंग जो लोग हैं वर्तमान में जो जीवित हैं उनके लिए भी, और जिनकी मौत हो चुकी है मरणोपरांत पोस्टमसली उनको भी दिया जाता है। क्लियर है? कहीं कहीं पे पहले लिखा होगा मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, नहीं, मैक्सिमम 3 लोगों को, लगभग हर साल 2 या 3 लोगों को दिया जाता था, कभी कभी 1 को दिया जाता था, एक साल ऐसा है 1990 का डिकेड जहां 4 लोगों को दिया गया, इस बार 5 लोगों को दिया गया, तो कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, ध्यान रखना है इसको। चलिए, पहली बार किसे दिया गया? भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी को दिया गया, पहला, उस साल 3 लोगों को दिया गया, तो पहला उनमें से एस राधाकृष्णन जी को माना जाता है। सीवी रमन साहब को भी दिया गया था इसी में, और सी राजगोपालाचारी, जहां तक याद आ रहा है सी राजगोपालाचारी, 3 लोग थे, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन, इनको दिया गया। पशुओं के लिए देश का पहला हॉस्पिटल कहां खोला गया है? महाराष्ट्र में खोला जाएगा पशुओं के लिए देश का पहला हॉस्पिटल। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत के किस सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? उस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु है, आपको पता होगा द्वारका में इन्होंने, प्रधानमंत्री जी गए थे गुजरात में, वहां पे उद्घाटन किया, यहां पे खड़े हुए हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब,
और इस ब्रिज की अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो मैंने ये डेटा रखा हुआ था, इसकी लंबाई मैंने कल लिखवा दूंगा आप लोगों को। इसकी लंबाई ब्रिज की है 2.32 किलोमीटर, इतना मीटर ये लंबा है। और ये केबल बेस्ड है, सिग्नेचर ब्रिज है, केबल बेस्ड ब्रिज है, ये केबल से बंधा हुआ है, ये पिलर्स नहीं लगे हैं इसमें, आप देख सकते हो। और ये करता क्या है, ये क्वेश्चन अगर पूछे जोड़ता किसको, तो ये कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ को बेट बेट द्वारिका द्वीप गुजरात के ओखा में, इसको इससे जोड़ता है ये, जिसे सुदर्शन सेतु भी कहा जाता है। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम भी लिख देता हूं, ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज का मतलब होता है जो पिलर्स पे ना टिका हो, केबल्स पे टिका होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, गगनयान मिशन, इसरो कितने गगनयान मिशन जाएगा आपको पता है? इसरो भारत, इसरो जो है हमारी स्पेस एजेंसी, 1969 में बनी। और गगनयान मिशन जो है वो भारत का इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, और पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जहां हम कहां भेजेंगे इनको, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेंगे। मैंने पूरा ब्रीफ स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, जीएस जीके की शॉर्ट वीडियो, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी में पूरा एक पूरा आधे घंटे का, आधे घंटे और 40 मिनट का वीडियो है, वहां पे आप देख सकते हो। भारत का पूरा स्पेस प्रोग्राम मैंने डिस्कस किया है, कौन से रॉकेट हैं, जीएसएलवी पीएसएलवी क्या करता है, भारत के फ्यूचर मिशंस क्या हैं, उसी में मैंने भारत का गगनयान के बारे में पूरा डिस्कस किया है। कितने एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, मोदी जी अभी मिलके आए थे कहां पर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला में, तिरुवनंतपुरम में जो है, 4 एस्ट्रोनॉट्स को हम भेज रहे हैं पहली बार। और ये ध्यान रखना, भारत के पहले स्पेस एस्ट्रोनॉट कौन है, जो अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा जी हैं, लेकिन वो हमने, इसरो ने नहीं भेजे थे, वो यूएसएसआर सोवियत यूनियन की जो स्पेस एजेंसी है, रॉस कॉस्मॉस, जिसको रसिया की स्पेस एजेंसी आज के टाइम में कहा जाता है, उसने भेजे थे, ये हम खुद भेज रहे हैं इसरो। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसका नाम क्या है, रेंगपो जगह पे स्टेशन डेवलप किया जा रहा है। गुप्तेश्वर वन, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो आपको पता है, खजुराहो के टेंपल्स बहुत फेमस हैं, नागरा शैली के टेंपल्स हैं, आप पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर में, थ्री थ्री स्टाइल्स ऑफ टेम्पल, बेसिकली दो होते हैं, नागरा शैली, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, और द्रविड़ियन शैली, द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल, और इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है, बेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, मिलते हैं, और द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ टेम्पल साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। इन दोनों का मिक्सचर जो है विंध्यन पर्वत से लेके, विंध्यन माउंटेन से लेके, मतलब मध्य प्रदेश से लेके कर्नाटक के बीच में जो पाया जाता है, उसको बेशरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कहते हैं। ये मैंने आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाया भी। हालिया चर्चित खजुराहो नृत्य महोत्सव तो कहाँ का होगा, मध्य प्रदेश का, खजुराहो केव्स भी वहीं पे हैं, खजुराहो टेम्पल्स भी वहीं पे हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, किसको दिया गया है, कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी को दिया गया है। इससे पहले ये किसको मिल चुका है, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी मिल चुका है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है, भारत रंग महोत्सव नाम है इसका, जो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। तो ये हमने 108 तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसके अलावा मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर ली। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
और आपने कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ करंट अफेयर मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, जिससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। एक करंट अफेयर पढ़ोगे तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर पाओगे। न्यूज़पेपर सबसे अच्छा नॉलेज का सोर्स है, जिसमें एक साथ कई सब्जेक्ट की नॉलेज आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अगले नेक्स्ट मंथ में जो भी एग्जाम्स होंगे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस मंथ की करंट अफेयर से या मार्च में या अप्रैल में जो एग्जाम होंगे उससे भी बन सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है, जिसमें हमने फरवरी के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। ये हमारा आरबी का टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसएससी एग्जाम्स के सभी प्रीवियस ईयर पेपर कंपाइलेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ ये हमारी प्लेलिस्ट है, और हमारी वेबसाइट पे जाके आप थाउजेंड्स ऑफ फ्री मॉक टेस्ट ऑफ आरबी वेबसाइट पे आप दे सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, जिसकी कोई आपको फीस नहीं देनी है। इसके अलावा अगर आप हमारी पेड टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड पेड टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हो। ये हमारे बैच चल रहे हैं ऑफिसर्स बैच, सभी सब्जेक्ट के लिए, जीएस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जिसमें रीजनिंग हैप्पी राव सर ले रहे हैं, इंग्लिश अमन सर, पंकज सर, दो दो टीचर हैं आपके लिए इंग्लिश के भी, हिंदी अंशुल सर ले रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी दो सब्जेक्ट लूँगा, करंट अफेयर भी साथ में लूँगा। राधिका मैम बायो, इसके अलावा शिवम सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, क्लियर है। तो आपको दो दो टीचर अवेलेबल हैं, जीएस के जो है आपको ज्योग्राफी मेरे भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, शिवम सर के भी लेक्चर मिल जाएंगे, इसके अलावा मैथ जो है शिवम जैन सर ले रहे हैं। तो ये आपके सारे टीचर हैं। न्यू डेली इसके साथ टारगेट ग्रुप ऑफ बनाए जाते हैं, जिसमें आपको टारगेट ग्रुप्स में जोड़ के आपकी तैयारी को और शार्प किया जाता है। साथ ही साथ आप हमारे जो है स्पेशल बैचेस भी अवेलेबल हैं, रीजनिंग के लिए अलग से है, इंग्लिश के लिए अलग से है, मैथ के लिए अलग से, और जो है जीएस के लिए अलग से बैच अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए।